ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ देखिए कि 10 वोल्ट की बैटरी है। आप एक और क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। सर्किट सोन इन द बीरो द स्विच एस इज कनेक्टेड द पॉइंट पी फॉर द लॉन्ग टाइम सो दैट द चार्ज ऑफ कैपेसिटर बिकम्स क्यू वन माइक्रो कूलम द एस इज क्लोज क्यू आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू टू देन क्यू वन एंड क्यू टू के बारे में पूछ रहा है। पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने क्लोज कर दिया तो स्टेडी स्टेट पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, स्टेडी स्टेट पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। इस करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, इस करंट की वैल्यू लेट आई वन है। स्टेडी स्टेट पे करंट आई वन ऐसे फ्लो करेगा, कोई पूछे आई वन की वैल्यू कितनी होगी। EMF, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, सबट्रैक्ट कर दो तो 1 वोल्ट की बैटरी आएगी। नेट रेजिस्टेंस इज 3, सीरीज में 2 और 1 सीरीज में आ गया, 3 बन गया। अब आपको पता करना पड़ेगा कि इस पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो एक काम करो, इसका पोटेंशियल परमानेंसी क्या मान लो, 0 पोटेंशियल मान लो। इसका भी पोटेंशियल क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसका क्या आएगा, 1 वोल्ट बनेगा। और इसके इधर वाला पोटेंशियल इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करेगा, 1/3 इंक्रीज करेगा। आई इंटू आर कर दो ना, करेंट आई आई वन इंटू वन आर 1/3, 1/3 इंक्रीज करेगा तो इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 4/3। क्यू वन की वैल्यू क्या होगी, सी वी, सी कितना, 1, वी 4/3, वैल्यू इज 1.333, राउंड ऑफ करने के बाद 1.33 आएगा, आंसर इज 1.33। क्यू टू की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू टू के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्विच एस इज क्लोज टू पोजिशन क्यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस क्लोज कर दिया गया, उसका चार्ज क्यू टू की वैल्यू इसके ऊपर कितना होगा, लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर दिया ना। तो स्टडी स्टेट पे अब जो चार्ज फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो ऐसे करेगा। तो अब क्यू टू की वैल्यू की पूछे आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, टी एम एफ 2 वोल्ट डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस 3। तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे ऐसे। तो आई टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस 3। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा दैट इज आई आर। तो आई कितना है, 2/3, और आर कितना है, 1, 2/3। थोड़ी सी डिफरेंस बन गया इस केस के बीच का। तो चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर सी भी, तो क्यू बराबर सी करोगे तो 2/3 टू 1, नाउ वैल्यू इज 0.66666। तो इसका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 0.67। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है। ओके okay?